देवभूमि में शुरुआत करेंगे देहरादून की खबरों के साथ। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने झांकी के प्रतिभागियों को सम्मानित किया है और गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर ये झांकी निकाली गई थी और शामिल जो कलाकार इस झांकी के दौरान बताए जा रहे थे प्रशासित पत्र देकर 12 कलाकारों को सम्मानित किया है। तो कलाकारों को 25,000 रुपए भी पारितोषिक दिए जाएंगे। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का ऐसा कहना और उत्तराखंड की झांकी केदारखंड को प्रस्तुत किया गया था तो देश में तीसरा स्थान प्राप्त करने पर कलाकारों को बधाई भी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी है। तो पुरस्कृत करते हुए ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इन कलाकारों को पुरस्कृत किया है। गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड के जो कलाकार राजपथ पर झांकी के साथ सम्मिलित हुए थे उन कलाकारों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अपने आवास पे सम्मानित किया है और इसके अतिरिक्त सभी कलाकारों को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक निश्चित धनराशि मानदेय के रूप में दिए जाने की भी घोषणा की गई है जिसे सभी कलाकार बहुत ही प्रसन्न थे और वो अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। सचमुच में ये उत्तराखंड के लिए गौरवशाली पल है कि राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड राज्य को झांकी के लिए तृतीय पुरस्कार मिला है जिसके लिए सभी उत्तराखंडवासी बधाई के पात्र हैं। गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड के जो तो देहरादून में बजट को लेकर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया जाहिर की। आम बजट को निराशाजनक बजट बताया है तो प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बजट को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। आम जन को बजट में कुछ नहीं मिला है। धस्माना का ऐसा कहना बजट में रोजगार की बात नहीं है, बजट से उत्तराखंड को भी कुछ नहीं मिल रहा है जबकि ग्रीन बोनस की मांग हो रही है। तो आम बजट के बहाने धस्माना ने सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। बजट को लेकर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया जाहिर की। आम बजट को बताया है निराशाजनक बजट। तो कांग्रेस नेता है धस्माना जिन्होंने प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इस बजट पर कई अहम सवाल खड़े किए। तो आम जन को बजट में कुछ नहीं मिला ऐसा कहना धस्माना का। देखिए केंद्र सरकार का बजट निराशाजनक और जिस प्रकार से आज वित्त मंत्री ने जिस बजट को पेश किया है उस बजट में कोई तरीका ऐसा नहीं बताया कि जो जनता के ऊपर सबसे बड़ी मार है बेरोजगारी की। 12.5 करोड़ लोग देश में बेरोजगार हो गए इस कोरोना काल में। पूरे देश के अंदर जो महंगाई ने लोगों की आम लोगों की कमर तोड़ दी है, एक तरफ तो बेरोजगारी बढ़ी है दूसरी तरफ लगातार पेट्रोल के डीजल के रसोई गैस के खाने के तेल के अनाज के सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है। तो महंगाई से निजात कैसे मिले उसका कोई तरीका सरकार ने नहीं सोचा। तो देहरादून दौरे पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया है। 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में आम आदमी पार्टी डट गई है। तो मनीष सिसोदिया ने उत्तराखंड में भी ये दौरा किया कि केजरीवाल अभियान की शुरुआत मनीष सिसोदिया की तरफ से कर दी गई है। मनीष सिसोदिया ने 70 विधानसभाओं के लिए वीडियो वैन को हरी झंडी दिखाई है। तो आम आदमी पार्टी ने राज्य में 1,00,000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। 45 दिनों तक सभी विधानसभा में उत्तराखंड में यह अभियान चलाया जाएगा। तो अभियान के दौरान आम आदमी पार्टी राज्य में 6,500 जनसभाएं करेगी। हर विधानसभा में एक वीडियो वैन के जरिए पार्टी का प्रचार किया जाएगा। अच्छे मोहल्ला क्लिनिक गांव-गांव में, अच्छे सरकारी अस्पताल, यहाँ के संसाधनों का सदुपयोग, यहाँ के लिए रोजगार, यहाँ के लोगों के लिए ऐसी नीतियाँ बनाना ताकि यहाँ के लोग यहीं पे अच्छे जीवन व्यतीत कर सकें, समृद्धिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। ये मांग उत्तराखंड के कोने कोने से उठ रही है। पिछले 6 महीने में आम आदमी पार्टी ने काफ़ी सक्रियता बढ़ाई और पार्टी एक उम्मीद के रूप में उभर के आई है। इसकी वजह से
करीब 10,000 कार्यकर्ता पिछले 6 महीने में आम आदमी पार्टी में सक्रिय रूप से जुड़कर काम कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। और ये 10,000 कार्यकर्ता, जब ये 350 कार्यकर्ता हमारे वैन लेके जाएंगे, वीडियो वैन लेके जाएंगे, 70 वीडियो वैन, तो ये 10,000 कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में वहाँ पे जनसभाएं कराएंगे और अगले 45 दिन में 6,500 जनसभाएं की जाएंगी। तो उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी में अपनों का ही विरोध झेल रही हरीश रावत ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरे की घोषणा का राग अलापा है। साथ ही उत्तराखंड में कांग्रेस के नेताओं के ही अपने नेताओं के विरोध के चलते विरोध करने वाले लोगों को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गड़बड़ मैन की संज्ञा देकर बड़ा बयान दे दिया। हरीश रावत पत्रकार वार्ता काशीपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मोदी रणनीति के जवाब में आगामी चुनाव के लिए स्थानीय चेहरे की घोषणा कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे बीजेपी को भी मजबूर होकर स्थानीय चेहरों को मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर चुनाव मैदान में उतारना होगा। साथ ही कहा कि हर दल में कुछ गड़बड़ मैन होते हैं जिनका काम ही विरोध करना होता है। ऐसे लोगों को राजनीति का स्वाद ही गड़बड़ी करने से मिलता है। कवि की एक लोक गायक की भावना है और मैं उनकी भावना के लिए उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमारी सरकार के समय में जो हमने योजनाएं चलाई थी या जो समय समय हम बातें करते रहते हैं उनको इस लायक समझा कि उनको अपना कंठ दे सके, अपना स्वर दे सके। मैं माया उपाध्याय जी का बहुत आभारी हूँ। बाकी उसका चुनाव से, राजनीति से कोई संबंध नहीं। अरे कुछ हम जैसे गड़बड़ मैन होते हैं तो गड़बड़ मैन के लिए सब होता है। कुछ लोगों को लगता होगा, कुछ लोगों को लगता होगा। और यदि मान लिया हमारा विरोध करने से किसी का स्वास्थ्य ठीक होता है, किसी को कुछ फायदा होता है, तो ये भी उनकी कृपा है। हमारा विरोध करके कम से कम वो अपना फायदा तो करते हैं, उनका भला होना चाहिए लोगों का। और मैं नहीं समझता, मेरे तो किसी से कोई, मेरे तो विपक्ष से भी शत्रु भाव नहीं है। देखिए क्या पार्टी करती है ये तो अंत में पार्टी डिसाइड करेगी, मगर मेरा अपना मानना यह है कि भाजपा की मोदी रणनीति किए के जवाब में कांग्रेस को स्थानीय चेहरे को आगे करना चाहिए, ताकि भाजपा को भी स्थानीय चेहरा आगे करना पड़े और स्थानीय मुद्दों पर और स्थानीय चेहरों पर ही चुनाव सीमित हो। खबर लाल कुआं की। तो पूर्व मंत्री हेमंत द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी पूर्ण बहुमत से फिर से वापस आएगी और ऐसा कहना है पूर्व मंत्री हेमंत द्विवेदी का। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त ये बातें कही हैं कि एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में वापस आएगी, मिशन के तहत तेजी और ऊर्जा के साथ काम करेगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद भी उन्होंने किया। कोई हमारा प्रतिद्वंदी नहीं है, ये तो सब अपना राजनीतिक रोटियां सीखने के लिए इधर उधर घूम रहे होंगे। फिलहाल कोई आम आदमी पार्टी का यहां पर कोई अस्तित्व नहीं है उत्तराखंड राज्य के अंदर, ना उनकी कोई भूमिका रही है इस राज्य के लेके। ये आंदोलनकारियों की भूमि रही है। भारतीय जनता पार्टी ने ये राज्य बनाया था, अटल जी ने इस राज्य का निर्माण किया था और हमने कहा भी था जब हमारा राज्य बना था और मोदी जी का नेतृत्व देश के अंदर आया था कि अटल जी ने राज्य बनाया और मोदी जी इसे संवारेंगे। और मोदी जी ने वो तमाम ऐसे कार्य हमारे राज्य के अंदर किए हैं, वैसे तो पूरे देश के अंदर उन्होंने जो विकास का एक मॉडल दिया है, जो सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास, लेकिन उत्तराखंड के लिए उनका विशेष लगाव जो है कि मोदी जी का रहा है। चाहे वो चारधाम यात्रा का हो, हमारे यहाँ चाहे रेल मार्ग का हो, कर्णप्रयाग से ऋषिकेश वाला मार्ग, टनकपुर से। तो आम आदमी पार्टी की ओर से अब पौड़ी जिले के दुरुस्त विकास खंडों में जाकर अपनी सदस्यता अभियान को तेज करने की। 1 मार्च से 9 मार्च तक सत्र शुरू होने वाले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये जानकारी दी है। तो 1 मार्च से 9 मार्च तक उत्तराखंड का बजट सत्र चलेगा।
सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये जानकारी दी। गैरसैंण में होगा उत्तराखंड विधानसभा सत्र। तो आज एक और जहां आम बजट पेश हुआ और ऐसे में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऐलान कर दिया कि 1 मार्च से 9 मार्च तक उत्तराखंड का बजट सत्र शुरू होगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बात की जानकारी दी है, गैरसैंण में होगा उत्तराखंड का विधानसभा सत्र। और आम आदमी पार्टी की ओर से अब पौड़ी जिले में दुरुस्त विकास खंडों में जाकर अपनी सदस्यता अभियान को तेज करने का काम शुरू हो गया है, जिसके चलते विकास खंड बीरोखाल में करीब 100 से अधिक लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। ग्रामीणों का कहना है कि बीरोखाल पौड़ी जनपद का सबसे दुरुस्त ब्लॉक है और बीते 20 वर्षों में यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के लिए भी ग्रामीणों को जूझना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी की ओर से जिस तरह से दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर कार्य किया जा रहा है, अगर पौड़ी जनपद में भी इसी तरह से कार्य किया जाए तो पौड़ी जनपद के सभी दुरुस्त इलाकों का भी विकास हो पाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ दिगमोहन नेगी ने बताया कि पौड़ी जनपद के बहुत से दुरुस्त विकास खंड है जहां पर आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा है और ना ही विकास की कोई किरण पहुंच पाई है। उन्होंने पौड़ी जनपद के बीरोखाल ब्लॉक में पहुंचकर 100 से अधिक लोगों को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलवाई। सदस्यता अभियान के तहत बीरोखाल में हमने अपने संगठन का भी विस्तार करा और बहुत सारे लोगों ने आज आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। हम लगातार जनसंपर्क में हैं और पहाड़ों पर लोगों में खासा आक्रोश है कि विगत 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने आम जनता के साथ खासतौर पर पहाड़ी जिलों में छलावा करा है। शिक्षा स्वास्थ्य की बदहाली सबके सामने है, रोजगार के लिए युवा जगह जगह तरस रहा है और साथ ही साथ आज हमारा ये आज का जो यहाँ पर आयोजन था, ये खासतौर पर कृषि तीनों काले कानूनों के विरोध में हमने एक यात्रा भी करी है बीरोखाल बाजार तक। लालकुआ पहुंचे नए सीओ प्रबोध कुमार साह ने आज अपना चार्ज संभाला। चार्ज संभालते ही वो पत्रकारों से रूबरू हुए और अपना एजेंडा सामने रखा। उन्होंने कहा कि शहर को क्राइम मुक्त और जन जागरूकता में कोई भी कमी नहीं की जाएगी, साथ ही क्षेत्र में शांति व्यवस्था को लेकर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए लोगों का सहयोग भी लिया जाएगा। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त उत्तराखंड पुलिस की जो श्रेष्ठ प्राथमिकता है वो है जन अपेक्षा के अनुरूप जन सहयोग से पुलिसिंग, यानी इस क्षेत्र की जो प्राथमिकताएं समय के साथ बदली हैं, मुख्य रूप से नशा, यातायात और इन सब कामों को जनता के सहयोग से किस तरीके से प्रभावी रूप से इस पर नियंत्रण पाया जाए और पुलिस एक सच्चे रूप से सहयोगी की भूमिका में कैसे स्थापित हो, इन सब में ही काम करने की पहली प्राथमिकता है। और मैं इससे पहले सीओ नरेंद्र नगर के पद पर था, उस वहां से अब यहां पर आया। नैनीताल में 2 से 5 फरवरी तक लगेगी कोरोना की वैक्सीन। तो स्वास्थ्य विभाग वैक्सीनेशन को लेकर के अपनी कमर कसकर पूरी तरीके से तैयार है। स्वास्थ्य कर्मियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को ये वैक्सीन लगाने का काम किया जाएगा। लगभग 177 कर्मी ऐसे बताए जा रहे हैं जिनको वैक्सीन लगाया जाएगा। तो 2 से 5 फरवरी तक ये अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सभी को वैक्सीनेट करने का काम किया जाएगा। कोविड 19 की जो वैक्सीनेशन फर्स्ट लाइन स्टाफ को होना है 2 तारीख से स्टार्ट है और कालाडुंगी में 2 चरणों में 2 और 3 में होगा। पहले चरण में 50 लगाएंगे, दूसरे चरण में 50 लगाएंगे, इसलिए इस तरह से 2 दिन में 177 लोगों का टीकाकरण होना है, जिसमें आशा, आंगनवाड़ी, क्लिनिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ सारे स्टाफ हो। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन तेजी से चल रहा है, जिसके तहत मसूरी में उप जिला चिकित्सालय में टीकाकरण की शुरुआत की गई, जिसमें 100 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया, जिसके तहत पहला टीका मसूरी कोविड 19 के इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप राणा ने लगवाया और खुशी जताई। उन्होंने कहा कि टीका लगाने के बाद किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और ना ही अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को हुई है, वो सभी रोज की तरह अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुछ लोग टीकाकरण को लेकर गलत अफवाह फैला रहे हैं। आज हमारे यहाँ CHC मसूरी में टीकाकरण प्रारंभ हो गया है, जिसमें कि 100 लाभार्थियों को
का नाम वहाँ सीएम ऑफिस से आया है, जिसमें से लगभग अभी 25 तो हो गए, लगभग हमारे 25-30 हो गए हैं, और अभी भी टीकाकरण चल रहा है हमारे यहाँ, और लोगों में बड़ा उत्साह है हमारे कर्मचारियों में, और सबने टीका लगवाया है जो लोग उपस्थित हैं, और ये लोग इनको कोई तकलीफ भी नहीं हुई है टीकाकरण के दौरान, और उसके बाद लोग अपने लगाने के उपरांत अपने अपने कार्यक्षेत्र में ये लोग गए हैं, और अभी तक कोई किसी की कोई कंप्लेंट नहीं है, सब बिल्कुल सुरक्षित हैं, और सबको अच्छा लग रहा है कि ये अब कोरोना से ये सुरक्षित में। जैसे आज 1 तारीख को लगाया तो 28 दिन बाद लगेगा, वो सीएमओ ऑफिस से उसके ऑर्डर्स आएंगे, और जिस दिन के ऑर्डर्स आएंगे उस दिन फिर नेक्स्ट हम लोग सेशन स्टार्ट कर देंगे। बहुत गर्व महसूस कर रहा है कि मसूरी में पहला टीका मुझे लगा है, और दूसरी इस चीज़ का और गर्व कर रहा हूँ मैं कि ये मेड इन इंडिया की वैक्सीन है और मुझे लगी मसूरी में, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। कोई घबराने की बात नहीं है, और कोई किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, हमारे कर्मचारी अधिकारियों में बड़ा उत्साह से सब लगा रहे हैं, बहुत गर्व। तो वहीं हरिद्वार में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां एक पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक महिला का शव कब्जे में लेने के साथ ही महिला की तफ्तीश शुरू कर दी है। तो ये इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है पुलिस की तरफ से। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ममता की शादी गांव के ही जगपाल से हुई थी। दोनों के 4 बच्चे भी हैं। पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच विवाद चल रहा था। विवाद का कारण जगपाल का नशे की लत बताई जा रही है। ममता नशा करने से मना करती थी, लेकिन जगपाल नहीं मानता था। इस कारण दोनों में आए दिन विवाद होते रहते थे। तो वहीं सीएम योगी ने कल सभी मंत्रियों को एक बार फिर बुलाया है। सुबह 11 बजे सीएम आवास पर मंत्रियों को बुलाया गया है। सभी मंत्रियों को लैपटॉप और आईपैड लेकर बुलाया गया है। मंत्रियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलाया है। तो सभी मंत्रियों को कल सुबह 11 बजे सीएम आवास पर बुलाया गया है लैपटॉप और आईपैड लेके। तो सभी मंत्रियों से ये कहा गया है कि जिनके पास अपने लैपटॉप्स और आईपैड्स हैं उनको अपने साथ लेकर के सीएम आवास पर आए। तो एक बार फिर से एक और बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बुलाई गई है। तो कल सुबह 11 बजे ये बैठक होगी सीएम आवास पर। तो सभी मंत्रियों को लैपटॉप और आईपैड लेकर के बुलाया गया है। मंत्रियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए बुलाया गया है। तो अभी इस बात का स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है कि किन किन मुद्दों को लेकर के इसमें चर्चा हो सकती है। इस पर अधिक जानकारी के लिए इसके वाजपेयी संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। इसके आपसे जानकारी चाहेंगे कि जो सुबह 11 बजे सीएम आवास पर ये बैठक बुलाई गई है और लैपटॉप और आईपैड लाने को सभी मंत्रियों से कहा गया है, तो क्या खास इस बैठक में होने वाला है? बिल्कुल, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है, यूपी सरकार का बजट 18 फरवरी को पेश होना है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ सभी विभागों की समीक्षा करेंगे, चाहे वो कोई भी विभाग हो, और सभी विभागों के जो मंत्री हैं वो इस बैठक में सम्मिलित होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि अपने अपने विभाग के डेटा के साथ मंत्री आएंगे, जिसको लेकर सीएम योगी की तरफ से सभी मंत्रियों को निर्देश भेजे जा सकते हैं। ये बैठक सुबह 11 बजे होगी, जिसमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी, और जो भी विभाग अब तक की प्राप्तियां हैं, जो उनको जरूरतें हैं, उन सभी डेटा के साथ ये मंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में पहुंचेंगे, और वे हर विषय के बारे में पूरी जानकारी होगी कि उनके विभाग में अब तक का क्या काम किया गया, जो 2019 और 20 का जो बजट था उसमें क्या खर्च हुआ है, और अब तक के लिए अवशेष क्या है, तब तक वो नई योजनाएं कौन सी लाना चाहते हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर चर्चा होगी। खास तौर पर जो उत्तर प्रदेश सरकार और पीएम मोदी की जो महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं, उनमें अब तक के विभागों की तरफ से कितना काम किया गया है, किन बहुत सारी चीजों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ डिटेल देंगे, और आगे का दिशा निर्देश भी जारी करेंगे। ये वो महत्वपूर्ण चीजें होंगी जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ कल सुबह 11 बजे अपने विभाग के सभी मंत्रियों के साथ ये बैठक करने वाले हैं। जी,
तो इसके इस बैठक से क्या उम्मीदें लगाई जा सकती है और भी, क्योंकि इसमें अगर मान लीजिए सभी मंत्रियों को बुलाया जा रहा है तो कितना लंबा ये बैठक हो सकता है और किन किन मुद्दों को लेकर, क्योंकि आज तो बजट भी पेश हुआ, तो क्या बजट को लेकर भी इसमें कोई चर्चा हो सकती है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि 18 फरवरी को यूपी सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है और उम्मीद है कि अब तक योगी सरकार के कार्यकाल का ये सबसे बड़ा बजट होगा योगी सरकार ने अभी तक पेश किया है। तो कहीं ना कहीं उन सारे मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, चाहे विभाग ने अब तक किए गए जो कार्य हैं वो कार्यों को लेकर, साथ साथ में विभाग जो प्राप्तियां हैं उन प्राप्तियों को लेकर, और क्या नई योजनाएं वो बनाने वाले हैं उन योजनाओं को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। खासतौर पर जो महत्वाकांक्षी परियोजनाएं थी उन पर कितना काम हुआ है और अब तक का फीडबैक क्या है। तो कहीं ना कहीं मंत्रियों के कामों का एक लिटमस टेस्ट भी होगा इस बैठक में, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक कौन से ऐसे विभाग हैं जिन्होंने बेहतर काम किया है और कौन से ऐसे विभाग हैं जो विभाग के कहीं अपने कार्यों की प्रसन्नति है। ये एक समीक्षा हो जिसमें सभी विभागों के सभी तरीके के कार्यों जो जो उनके विभाग होते हैं उसकी समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। तो एक महत्वपूर्ण बैठक कल सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे, क्योंकि 18 फरवरी को यूपी सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है, उसके पहले मंत्रियों के पूरे समूह के साथ ये बैठक कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ हर को स्वयं देखेंगे। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया इसके आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।